नमस्कार, आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। माय भारत पर समय हो चुका है यूके स्पेशल का। ही नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर काशीपुर और बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों महापुरुषों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुरेश शर्मा ने कहा कि देश को आजादी दिलाने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अहम योगदान रहा है। देश आजाद होने के बाद भी भाजपा के शासन काल में गुलाम हो रहा है, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ता आजाद कराएंगे। काशीपुर से माय भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व में आजादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हुए पार्क की चीला रेंज में पीलीभीत टाइगर रिजर्व से NTCA की जागरूकता रैली हरिद्वार पहुंची। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बाघों को संरक्षण और संवर्धन की जागरूकता लाने के लिए रैली निकाली जा रही है। रैली का 3 अक्टूबर को कॉर्बेट पार्क में आखिरी पड़ाव होगा। हरिद्वार से माय भारत के लिए सचिव पुनीत की रिपोर्ट। चमोली में गांधी जयंती के मौके पर चार धाम यात्रा के ई पास में बाध्यता को समाप्त करने के लिए एक सूत्रीय मांग को लेकर बद्रीनाथ धाम के व्यापारिक प्रतिष्ठान और होटल ढाबे पूरी तरीके से बंद नजर आए। होटल व्यापारियों की मांग है कि तीर्थ यात्रियों के लिए ई पास की बाध्यता को जल्द समाप्त किया जाए, जिससे हमारे पास होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। चमोली से माय भारत के लिए पुष्कर सिंह नेगी की रिपोर्ट। रुड़की की गंग नहर कोतवाली पुलिस ने नकली नोटों का कारोबार करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक रात्रि के समय पेट्रोल पंप और भीड़भाड़ वाले बाजारों में 200, 500 और 2000 के नकली नोटों को चलाते थे, ताकि किसी को कोई शक ना हो सके। वहीं पुलिस ने पकड़े गए तीनों युवकों के पास से 2,47,500 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। रुड़की से माय भारत के लिए प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के मौके पर हरिद्वार में स्वतंत्रता सेनानी शहीद स्तंभ पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक संजय सैनी ने बताया कि पार्क में महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री सहित देश के उन सभी महान आजादी के नायकों की तस्वीर लगाई जाएगी, जिससे आने वाली नई पीढ़ी को सबक मिले और वो उनसे प्रेरणा ले सके। हरिद्वार से माय भारत के लिए केशव चौहान की रिपोर्ट। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो सुनसान जगहों से बाइक और स्कूटी को आसानी से चोरी कर लेते थे। आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई पुलिस थानों में वाहन चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास से 3 बाइक और एक स्कूटी बरामद की गई है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। उत्तराखंड की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें और देखते रहें माय भारत।